अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की बजट पर तनकीद। बिल मॉर्नियो ने फ्रीलैंड के बजट को सरमायाकारी इक्तसादी तरक्की के लिए ख़तरा करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि अमीर कॉरपोरेशंस कनाडा में सरमायाकारी के बारे में दो बार सोचेंगे। कनाडा में सोने की सबसे बड़ी चोरी, 6 अफराद गिरफ्तार। एयर कनाडा के 2 मुलाजमीन का वारदात में शामिल होने का इंकशाफ। गुज़िश्ता बरस टोरंटो एयरपोर्ट से 2 करोड़ 10 कैनेडियन डॉलर का सोने और 27 लाख डॉलर की चोरी हुई थी। ऑन्टेरियो असम्बली के स्पीकर का मुतासिबाना फैसला, फलस्तीनी मजाहमती तहरीक की इलामत कैफिया पर पाबंदी लगा दी। प्रीमियर डग फोर्ड का स्पीकर से फैसला वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत का इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि खित्ते में रूस ईरान गठजोड़ कामयाब नहीं होने देंगे। जल्द इसराइल के लिए बड़ी अस्करी और माली इमदाद की मंजूरी होगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के साबिक वजीर खजाना बिल मॉर्नियो का कहना है कि बजट में लगने वाले नए टैक्सों से कंपनियों और मुलाजमत पैदा करने वालों की सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड के पेशरो बिल मॉर्नियो का कहना है कि जब वो मुलाजमत पर थे तो कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की तब्दीली की मजाहमत की क्योंकि उन्हें खदशा था कि इससे कंपनियों और मुलाजमत पैदा करने वालों की सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। उन्होंने कहा कि कनाडा इस वफाकी बजट के जवाब में अब सरमायाकारी की कहत की तवक्को कर सकता है, जिसमें टैक्स में इजाफे के लिए आला दर्जे के सरमाए के मुनाफे को हदफ बनाया गया है। ये बहुत वाज़ह तौर पर कुछ था कि जब मैं वहाँ था हमने मजाहमत की, हमने एक ख़ास वजह से इसकी मजाहमत की, हमें मुल्क की तरक्की के बारे में फिक्र थी। मॉर्नियो ने कहा कि अमीर कारोबारी मालकान और कॉरपोरेशंस, जिन लोगों को फ्रीलैंड की तब्दीली के नतीजे में ज़्यादा टैक्स के बोझ का सामना करना पड़ता है, कनाडा में काम करने के लिए पैसा लगाने के बारे में दो बार सोचेंगे क्योंकि वो अपनी सरमायाकारी पर कम कमाने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक हौसला शिकनी पैदा की है और ये बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में हमें हमेशा किसी भी ऐसे इकदाम को तस्लीम करना होगा जो सरमायाकारी के लिए हौसला शिकनी पैदा करता है। ना सिर्फ मुल्क के अंदर हम पर असरअंदाज होता है, बल्कि उन गैर मुल्की सरमायाकारों पर भी असर पड़ता है जो हमारे मुल्क को देख रहे हैं। उनका कहना था कि मैं जानता हूं कि एहतजाज में बहुत सी आवाज़ें उठेंगी, कोई भी ज़्यादा टैक्स अदा करना पसंद नहीं करता, यहाँ तक के या शायद ख़ास तौर पर जो इसे सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। टैक्स पॉलिसी सिर्फ या बुनियादी तौर पर अकाउंटेंट्स या माहरीन इक्तिसादियात का सूबा नहीं है, यह हम सबसे ताल्लुक़ रखती है क्योंकि हम किस तरह फैसला करते हैं कि हम किस किस्म के मुल्क में रहना चाहते हैं और हम किस किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं। बिल मॉर्नियो ने कहा कि कनाडा की वीकस जीडीपी कम हो रही है, तरक्की महदूद है और पैदावारी सलाहियत दूसरे ममालिक से पीछे है, मुल्क को इससे कम दौलतमंद बना रहा है। कैनेडियन पुलिस ने टोरंटो एयरपोर्ट से 2 करोड़ 10 लाख कैनेडियन डॉलर मालियत का सोना और 27 लाख कैनेडियन डॉलर चुराने के केस में 6 अफराद को गिरफ्तार करके भारी तादाद में हथियार भी बरामद कर लिए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा के लिए काम करने वाले 2 अफराद ने गुज़िश्ता मौसम बहार में टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 22.5 मिलियन डॉलर का सोना और नकदी की चोरी में मुबैना तौर पर कलीदी किरदार अदा किया। पुलिस ने मुल्क के एक मसरूफ एयरपोर्ट से 2 करोड़ 10 लाख कैनेडियन डॉलर मालियत का सोना
और 27 लाख कैनेडियन डॉलर चुराने के केस में 6 अफराद को गिरफ्तार करके भारी तादाद में हथियार भी बरामद कर लिए। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पील रीजनल पुलिस ने कहा कि अमरीकी ब्यूरो ऑफ अल्कोहल टोबैको आतिशे असलहा और धमाका खेज मवाद के साथ उनकी मुश्तरका तहकीकात के नतीजे में मुतादिद गिरफ्तारियां और 19 इल्जामात के साथ साथ बड़ी मिकदार में आतिशी असलहे को जब्त किया है। पील पुलिस के सरबरा निशान दोरायपा ने कहा कि ये कहानी एक सनसनीखेज है, एक और जो शायद हम मजाक में कहते हैं नेटफ्लिक्स सीरीज की है। उन्होंने मजीद कहा कि हवाई अड्डे की सहूलियात के अंदर और बाहर से मुजरमों का एक एहतियात से मनसूबा बंद और मुनज्जम ग्रुप है जिसने इस चोरी को मुनज्जम किया। लीड तफ्तीशकार माइक मॉविटी ने एयर कैनेडा की कार्गो सहूलत से दिलेराना चोरी को कनाडा की तारीख में सोने की सबसे बड़ी चोरी करार दिया। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के लिए काम करने वाले 2 अफराद ने उसे उतारने में अहम किरदार अदा किया। कनाडा के सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सूबे के स्पीकर से क्विनर पार्क में कैफिया पर पाबंदी को वापस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सूबे के स्पीकर से क्वींस पार्क में कैफिया पर पाबंदी को वापस लेने का मुतालबा किया है। प्रीमियर डग फोर्ड इस इकदाम को बेजरूरत तफरका अंगेज करार देते हुए स्पीकर टेड आर्नॉट से क्वींस पार्क में कैफियों पर पाबंदी को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। डग फोर्ड का कहना था कि कैफिया पर पाबंदी का फैसला स्पीकर ने अकेले किया था, मैं इसके फैसले की हिमायत नहीं करता क्योंकि ये हमारे सूबे के लोगों को बिला जरूरत तकसीम करता है। फोर्ड ने स्पीकर को फैसले को फौरी तौर पर तब्दील करने पर जोर दिया। यह वाजे नहीं है कि मेम्बरान को हाल ही में स्कार्फ ना पहनने की हिदायत कब दी गई थी जो आम तौर पर अरब पहनते हैं और फलस्तीनी मजाहमती तहरीक की अलामत के तौर पर काम करते हैं। ताहम फरवरी में आर्नॉट ने अराकीन को एक याद दहानी जारी की कि सियासी पैगामात के तौर पर लवाजमात का इस्तेमाल ममनू है। वजीर आला के तबसरे ओंटेरियो के कई दीगर सियासतदानों की जानिब से इमारत में पाबंदी पर नजरसानी करने के मुतालबात के बाद सामने आए हैं। अरकान असम्बली का कहना है कि हमारी असम्बली में सकाफती और कौमी लिबास की उन अहम अशिया का पहनना एक ऐसी चीज है जिस पर हमें फख्र होना चाहिए। यह उस कहानी का हिस्सा है कि हम एक सूबे के तौर पर कौन है। फलस्तीनी इस कहानी का हिस्सा है और कैफिया एक रिवायती लिबास है जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि अरब और मुस्लिम कम्युनिटीज के बहुत से अराकीन के लिए अहम है। अमरीका की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत का इंदिया दे दिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत का इंदिया दे दिया गया है। व्हाइट हाउस में अमरीका के सदर जो बाइडन से इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने मुलाकात की। इस दौरान मशरक वस्ता में कशीदगी के साथ साथ गजा के खिलाफ इजरायली जहरियत और इसराइल पर ईरानी हमले के बारे में बात हुई। इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका इराक समेत खित्ते में अमरीका और उसके शराकत दारों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़म है। अमरीका इसराइल की सलामती और जंगबंदी के लिए पुरअज़म है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा है कि अगर ईरान इसराइल पर हमले करने में कामयाब रहा तो अमरीका जंग में शामिल होने पर मजबूर होगा। अमरीका खित्ते में रूस और ईरान गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देगा। अमरीका अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि जल्द रिपब्लिकन की हिमायत से इसराइल के लिए बड़ी अस्करी और माली इमदाद की मंजूरी होगी। मशरिक़ वस्ता में तनाजात के फैलाव से बचने के लिए काम कर रहे हैं। हम जल्द अज जल्द यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं और जंग को रोकना चाहते हैं। इराकी वजीर आजम अल सुदानी ने कहा कि हम फौजी ताल्लुकात से अमरीका के साथ मुकम्मल शराकत दारी की तरफ जाने के लिए काम कर रहे हैं। खित्ते में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अमरीकी और इराकी ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं और हम भी जंग की तौसी को रोकना चाहते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.